या हूं कक्षा दो की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का अध्याय पाँच दोस्त की मदद दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जल्दी ही और भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय दोस्त की मदद किसी तालाब में एक कछुआ रहता था तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली तेंदुए जी कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ इसे पानी में फेंक दो थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा चाहो तो आजमा कर देख लो तेंदुए ने कहा ठीक है अभी देख लेता हूँ यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया बस फिर क्या था गया कछुआ पानी में तो इस तरह से लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए की मदद करी तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी ना थैंक यू